गुड मॉर्निंग मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कक्षा नाइन्थ में हम संख्या पद्धति पढ़ रहे थे। आज इसमें हमारा जो टॉपिक है वो होगा वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम इसमें पढ़। अब देखिए वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम में सबसे पहले जैसे माना पहला इसका नियम आ रहा है ए घात एन इंटू ए की घात एम, मतलब आधार। आधार समान है क्या है और घाते अलग अलग। आधार क्या है समान है और घाते अलग अलग हैं तो इसमें क्या होगा घाते जुड़ जाती है एन प्लस एम। यानी आधार यदि अलग अलग हो और घाते आधार समान हो और मल्टीप्लाई के रूप में हो, आधार समान हो और मल्टीप्लाई के रूप में और घाते अलग अलग तो घाते क्या होती है जुड़ जाती है। दूसरा इसका नियम है कि ए की घात एन बटे ए की घात एम, यानी आधार समान है लेकिन किसके रूप में भाग के रूप में तो घातें घट जाती हैं, एक ही घात एन माइनस एम हो जाता है। थर्ड जो नियम इसका एक ही घात एन और फिर घात एम, यानी घात पर घात हो गई, पहले घात हो गई फिर ब्रैकेट घात हो गई तो इसमें क्या होती है मल्टीप्लाई ए घात एन एम। दोनों घातें आपस में क्या होती हैं मल्टीप्लाई हो जाती है। दोनों घातें आपस में क्या होंगी मल्टीप्लाई। आधार यदि अलग अलग हैं और घाते समान हैं, आधार यदि अलग अलग हैं और घाते समान हैं तो क्या हो जाएगा a इंटू बी और घात m, यानी दोनों के गुणनफल पर भी वही घात है। यानी घात आधार अलग अलग हैं और घाते समान हैं तो दोनों आधार को मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर घात लगा दीजिए। ये क्वेश्चन जो अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम चैप्टर 1.6 पहला प्रश्न देखिए। इसका मान ज्ञात करना अपने को पहले प्रश्न को हल करना अपने को 64 घात इसकी पावर है 1/5 कितनी है 1/5 सॉरी 1/2 64 की पावर कितनी है 1/2। अब देखिए 64 को हम कैसे लिख सकते हैं 64 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 और 32 × 64 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 की पावर कितनी हो गई 6 हो गई और ये घात कितनी है 1/2। अब यहाँ घातांक का नियम कौन सा काम आ रहा है घातांक नियम में थर्ड, यानी घाते अलग अलग एक ही घात है फिर उसके ऊपर यानी घात है फिर भी घात है तो क्या हो जाएगी दोनों मल्टीप्लाई होती ही नहीं होती है तो क्या नियम हो जाएगा 2 × 6 × 1/2 3 तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 8 हो गया। कितना आंसर आ गया 8 आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन इसका 32 की घात 1/5 32 पावर 1/5। अब 32 कैसे लिख सकते हैं अपन 2 की घात 5 और घात 1/5 वही थर्ड नियम लागू हो रहा है 2 की घात 5 × 1 की घात 5 5 से 5 कैंसिल 2 की घात 1 कितना आ गया 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड 125 घात 1/3 125 घात 1/3 125 को 5 की घात 3 और 1/3 हो गया वही नियम थर्ड 5 घात 3 × 1/3 घात से घात कैंसिल 5 घात 1 कितना हो गया 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2
याद कीजिए पहला क्वेश्चन इसका, नाइन पावर थ्री बाई टू, नाइन पावर कितना हो गया थ्री बाई टू। तो देखिए नौ को कैसे लिखते हैं, तीन की घात दो और घात तीन बटे दो, तो तीन घात दो गुणा तीन बटे दो से दो कैंसिल, तो तीन की घात तीन और तीन का तीन तीन इंटू तीन नौतिया सत्ताईस, 24 आंसर आ गया। इस प्रकार सेकंड क्वेश्चन इसका, 16 की घात 32 घात दो बटे पाँच, 32 घात दो बटे पाँच, 32 को कैसे लिखेंगे अपन, दो की घात पाँच और घात दो बटे पाँच, पाँच गुणा दो बटे पाँच, पाँच से पाँच कैंसिल तो कितना हो गया दो की घात दो, कितना आ गया चार आंसर, दो की घात दो कितना हो गया चार। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका है 16 की घात तीन बटे चार, 16 घात तीन बटे चार, 16 को कैसे लिखेंगे अपन, दो की घात चार और तीन बटे चार कैंसिल, दो की घात तीन आठ आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर, 125 घात माइनस एक बटा तीन, इधर कर लेते हैं, 4 जो है, 125 दूसरे का चौथा क्वेश्चन, 125 घात माइनस एक बटे तीन, सॉरी एक बटे तीन। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 125 को कैसे, पाँच की घात तीन और घात एक बटे माइनस एक बटा तीन, पाँच घात तीन इंटू माइनस एक बटा तीन, तीन से तीन कैंसिल, पाँच घात माइनस एक आ गया, कितना आ गया पाँच घात। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, एक बटे पाँच, पाँच घात माइनस एक को कैसे लिख सकते अपन, एक बटे पाँच, क्योंकि घात ऊपर जा करके माइनस में हो जाती है, इसलिए एक बटे पाँच आंसर आ जाए। थर्ड पर्सन सरल करना अपने को इसको, पहला क्वेश्चन देखिए, दो की घात दो बटा तीन, दो की घात दो बटा तीन इंटू दो की घात एक बटे पाँच, एक बटे पाँच। अब देखिए कौन सा नियम लग रहा है, आधार समान है घातें अलग अलग है, पहला नियम तो गुणा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो दो की घात कितना हो जाएगा दो बटा, घातें जुड़ जाएंगी एक बटे पाँच आ गया, दो की घात कितना लघुत्तम आ गया पंद्रह, तीन का भाग पंद्रह में पाँच बार, पाँच दुनी दस, प्लस पाँच का पंद्रह में तीन, तीन एकम तीन, तो कितना आ गया दो की घात तेरह बटे पंद्रह आंसर आ गया। सेकेंड इसका, एक बटे तीन की घात तीन, एक बटे तीन की घात तीन और घात सात, तो एक बटे बटे में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तीन की पावर माइनस तीन लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी पावर, और ये सेवन है ही, अब पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, तो थ्री पावर माइनस 21, तीन की पावर माइनस 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 11 घात एक बटा दो और 11 घात एक बटे चार, इस प्रकार से होगा, तो कितना बटे में है, आधार समान है, तो घाती क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो 11 घात एक बटा दो माइनस एक बटे चार, लघुत्तम कितना चार आ गया दो माइनस एक, तो 11 घात एक बटा चार आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर चार, 7 की पावर एक बटा दो इंटू 8 की पावर एक बटा दो, 7 की पावर एक बटा दो डॉट 8 की पावर एक बटा दो, आधार अलग अलग है, तो लास्ट वाला जो नियम था घातांक अपना, आधार अलग अलग है और घाते समान है, तो क्या हो जाएगी, ये वाला नियम लगे कौन सा, ए घात एन
इंटू बी की घात एन, ये वाला तो क्या हो गया था, ए बी घात एन हुआ था कि नहीं होना, तो ये वाला यहाँ पर लग जाएगा, तो 7 इंटू 8 और पावर 1/2, तो 56 घात 1/2। इस प्रकार से घातांक के नियम से संबंधित इसके क्वेश्चंस थे, इसके एग्जांपल्स इस वीडियो के माध्यम से आप एग्जांपल्स भी करेंगे, इसके क्वेश्चंस मैंने सारे बता दिए हैं, एक बार आप पुनः प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चंस को फिर नोट। धन्यवाद।